तो गाइज हम आगरा फोर्ट आ चुके हैं और ये रहे मेरे हाथ में टिकट। पर पर्सन 50 रुपीज का टिकट है। यहाँ आपको अगर यहाँ की कोई नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ आकर गाइड को विजिट करने घूमने के लिए आए हो ना, इस पैलेस को बोलते हैं आगरा फोर्ट। आगरा किला है, ये रेड फोर्ट नहीं है। रेड फोर्ट केवल शाहजहां ने दिल्ली मामा ने उसे गिफ्ट किया है। इस बात की खासियत है एक ही पत्थर का बना है, इसमें कोई ज्वाइंट नहीं है, वन पीस। तो गाइज ये जहांगीर का बाथ टब है। चलो सर, और वो विंडो एसी मुझे पता है, मैंने अमेरिका के किले में देखा था। ये है वो मैजिक विंडो, जब हम यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ पर ये विंडो है और इस विंडो का जो व्यू है वहाँ से आप देख सकते हैं ताजमहल, जैसे कि आप देख रहे हैं ये है ताजमहल। अकबर पार्ट, जहांगीर पार्ट आपने देखा, लाल पत्थर, शाहजहां का पार्ट है व्हाइट मार्बल। ये शाहजहां की बेटी का महल है, शाहजहां की दो बेटी रही रोशन आरा जहांआरा। ये महल है रोशन आरा के लिए, आगे बोर्ड पर लिखा है रोशन आरा। जहांआरा का मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ऊपर का पूरा गोल्ड पिकेंगे आप लोग। ये मुगल टाइम पूरा सोने का रहा गोल्ड, लेकिन अभी ये गोल्ड नहीं है, ब्रास लगाया पीछे सारा सोना। जाटों ने स्कूल का, मराठाओं ने स्कूल का, उसके बाद अंग्रेजों ने स्कूल, ठीक है ना। यहाँ के बाद मैं आपको दिखाऊंगा शाहजहां और मुमताज का स्पेशल बेडरूम। महल का नाम है खास महल, ठीक है ना। खास जो बढ़ाया, ये पर्शियन लैंग्वेज का बढ़ाया है। खास महल देखेंगे शाहजहां मुमताज का, गोल्डन पैलेस, पूरा महल व्हाइट मार्बल से उसको बनाया गया। जैसे आपने ताजमहल देखा व्हाइट मार्बल का, वैसा ही खास महल व्हाइट मार्बल से बना। आगे देखेंगे आप लोग, पूरा सोने का, वो ऐसी पूरा सोने का था, लेकिन अभी ब्रास पे लगा हुआ है। तो गाइज ये है खास महल, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। अजय भैया जी, बताइए आप यहाँ के बारे में। महल शाहजहां मुमताज का बेडरूम है। इस पैलेस को आप लोग पहले इनसाइड और विजिट करेंगे, अंदर रहेंगे आप लोग। ये पूरा महल खास महल व्हाइट मार्बल से ऐसे बिल्ड किया गया है। व्हाइट मार्बल आपने ताजमहल के अंदर देखा, वही व्हाइट मार्बल आगरा फोर्ट के इस पैलेस में यूज हुआ है। इस महल में खासियत क्या, ये देखेंगे आप लोग, ये फ्लावर पे आपको पेंटिंग नजर आएगी। यहाँ से ऊपर तो में पूरे महल में गोल्ड एंड सिल्वर की पेंटिंग हो रही थी। इसको यहाँ से जला करके टोगा करके निकाला गया, जलाने से पूरी बिल्डिंग काली करते हैं। इसमें लाइट करने के लिए ऊपर में लगे चार, यहाँ डायमंड्स के बनाए झूमर लगाए गए, उसमें कैंडल वाली लाइट से महल के अंदर लाइट की जाती है। जब महल के अंदर लाइट होती है, ये जो व्हाइट मार्बल लगाया गया है इसके अंदर में शाइनिंग हो जाती है लाइट। देखिए मैडम, महल के अंदर शाइन करता हुआ आ गया है। इस पत्थर की ओरिजिनल पहचान है, अगर पत्थर में लाइट ट्रांसलेट होगी तो ओरिजिनल है पत्थर, लाइट नहीं आएगी डुप्लीकेट। आप कहीं भी लाइट लगाएंगे वहीं शाइन होगा, ठीक है। ये वाटर देखिएगा, ये कोई कलर पेंट नहीं है, सारे स्टोन है, ब्लैक गोल्डन ब्लैक। तीन पत्थर में डिजाइन डाला है व्हाइट मार्बल के अंदर। ब्लैक वाला मार्बल बेल्जियम का है, गोल्डन वाला मार्बल जैसलमेर, व्हाइट वाला मार्बल राजस्थान मकरानी का है। इसमें आप देखेंगे भैया सोना आज लगा, येलो कलर आपको नजर आएगा, वो ओरिजिनल गोल्ड। हमने ये देखा था शाहजहां मुमताज का बेडरूम, और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ यहाँ की रानियों के, जहाँ से वो अंगूर खाती थी। तो महल के सामने फाउंटेन बनाई, इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं थी। ये ऊपर देखेंगे स्टेप बनी है व्हाइट वाली बिल्डिंग, ये वाटर टैंक बना हुआ है। ऊपर से पानी छोड़ेंगे, नीचे प्रेशर से, और वहाँ से लेके जमीन का प्रेशर बनाएंगे, इसमें स्टेप बनाएंगे अंडरग्राउंड। स्टेप को पानी चलेगा, पानी का प्रेशर ऑटोमेटिक तेज आएगा। अभी डुप्लीकेट लगाए गए उसका पूरे गोल्ड के, ठीक है। ऊपर देखेंगे रिंग लगे हैं पर्दे लगाने के लिए, किसी भी रूम में दरवाजे नहीं, सभी के अंदर नहीं पड़ते चोरी वगैरह। चीज का मैं जिक्र कर रही थी यहाँ की रानियों के अंगूर के बाग, तो ये है वो अंगूरी बाग। इसको बोलते हैं अंगूरी बाग, ग्रेप्स गार्डन। जहांगीर के टाइम में इसको बनवाया गया है, चार बाग बने अंगूर के यहाँ पर। उस टाइम पर अंगूर की खेती की जाती है। साइट में ऊपर नीचे रूम देखेंगे आप, उस टाइम के सारे लेडीज सर्वेंट क्वार्टर बने हुए, दासियों के रहने के रूम। फारसी लैंग्वेज में इस पॉइंट को बोलते हैं हरम, लेडीज हरम बना हुआ है।
जोधा अकबर मूवी देखी थी आपने? जी जी। उसमें ये वाला पार्ट दिखाया था, यहाँ एक गाना फिल्माया गया कहने को जिसने बाहर आई, जो कबूतर गाने खराब किए ऐश्वर्या बच्चन, लेकिन वो आर्टिफिशियल साइड था, ये उसका ओरिजिनल। यहाँ के बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ शीश महल, देखेंगे आप लोग। आगरा फोर्ट में शाहजहां ने मुमताज के लिए एक शीश महल भी बनवाया। आगे आ जाइए। तो गाइस ये अंगूरी बाग और बिल्कुल इसके जस्ट इधर है लेडीज जेल, जो दासियां हुआ करती थी उस टाइम पे, उनमें आपस में लड़ाई हो जाती थी अगर तो उनको यहाँ बंद किया जाता था। तो ये लेडीज जेल है यहाँ की, और अब हम जा रहे हैं देखने के लिए शीश महल। दबू कह रहे थे मुमताज का भूत भूत बैठा हुआ है। भूत नहीं है बेटा, यहाँ शीश मिरर पैलेस, ये शाहजहां ने मुमताज के लिए बनाया, उसका टर्की सिस्टम में एक लेडीज बाथरूम है। इसमें जो मिरर्स लगाए गए दीवार के अंदर चमक रहे मिरर्स, ये इंडिया से नहीं है, उस टाइम शाहजहां ने इनको सीरिया से हायर किया। आज भी आप इनसाइड जाकर के एक दो कैंडल आप जलाते हैं, आपको हजारों कैंडल की इसमें रोशनी नजर आएगी। जमीन में आप देखेंगे इलेक्स लगे, उस टाइम का बाथटब है। ये आगे वाला ठंडे पानी का, लास्ट वाला गर्म पानी का है। साइड में मुमताज के लिए मेकअप रूम बना हुआ है और बॉडी मसाज रूम है। इसमें मुमताज जब इसमें बात करती हैं उनकी दासियां तबले बजाकर डांस करती हैं एंटरटेनमेंट करने के लिए। इसमें म्यूजिक सिस्टम भी बना हुआ है, पत्थर के तबले बनाए गए इसके अंदर। इसको भी लॉक करने का रीजन ये रहा, लोकल फैब्रिक अंदर जाकर लोग डिस्प्लेस करके निकाल कर ले जाते। ये महल भी मार्बल से नहीं बना हुआ है, मुल्तानी मिट्टी से इसको बनाया गया है, पाकिस्तान मुल्तान शहर से मिट्टी बनी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा शाहजहां का जेल, जहां औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना के रखा था। तो गाइस अब हम चल रहे हैं शाहजहां का जेल देखने के लिए, जहां औरंगजेब ने अपने फादर को बंद किया था। देखिएगा शाहजहां के जेल से पहले आप देखेंगे शाहजहां की बड़ी बेटी का महल, उनको सेम टू पैलेस बनाए गए। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा शाहजहां का जेल, देखेंगे आपको। कोई इस महल को देखकर के बोल सकता है ये जेल बना हुआ है? ये शाहजहां का जेल है, महल का नाम है मुसम्मन घोष, बोर्ड पे देखिएगा आप सारे। इस महल को स्टार्टिंग में जहांगीर ने बनवाया अपनी मुस्लिम रानी नूर जहां की। इस महल का नाम था शाहबुर्ज, शाहजहां ने इसको अपने टाइम में चेंज किया, वाइट मार्बल कलरफुल बनाया, इसे नाम दिया मुसम्मनपुर। लेकिन औरंगजेब ने बादशाह बनने के बाद शाहजहां को अपने वालिद को यहीं पर ही कैद कर दिया, नजरबंद, नजरबंद में हाउस रेस्ट। 1658 में शाहजहां को आगे वाले रूम में नजरबंद किया गया। शाहजहां इस महल में 8 साल तक नजरबंद रहे, यहीं से बैठकर शाहजहां ताजमहल देखा गया। 8 साल के बाद शाहजहां की इसी महल में ही कैद। इस महल को आप लोग पहले इनसाइड विजिट कर सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम पहले ही इसको लॉक किया गया है। लॉक करने का रीजन ये रहा, ये फ्लावर का पेंटिंग वाला डिजाइन देखेंगे, इसे पेंट नहीं है, सारे स्टोन लगे हैं, रिंग में स्टोन का ये वो चीज है। लोकल पब्लिक ने स्टोन को यहाँ जगह जगह से निकालना शुरू कर दिया, पब्लिक से बचाने के लिए इस डिपार्टमेंट ने इसको लॉक किया। ये स्टोन अफगानिस्तान, कुवैत, बेल्जियम, श्रीलंका, अफ्रीका, टर्की से इनको मंगाया गया। सेंटर में आप देखेंगे खूबसूरत फाउंटेन बनाया गया है, फाउंटेन में स्टोन है पूरा वन पीस, हैंडवर्क बना हुआ है, सारा काम जो किया हुआ है सारा हैंडवर्क। ये मून लाइट में स्टोन आज भी थोड़ा शाइन करा जाएंगे आपको, सारा स्टोन है ना मून लाइट में आज भी शाइन करता है, जब उसको भी चंद्रमा की रोशनी आके लगती है आपको। ये देखिए ग्रीन कलर में, दुनिया का सबसे महंगा स्टोन होता है ब्लू नीलम, श्रीलंका से होता है। ठीक है, बिल्डिंग ताजमहल, आपको परमिशन नहीं है कि आप इतना बड़ा मकबरा बनाए। शाहजहां ने जो बिल्डिंग के अंदर पैसा खर्च किया उनका अपना खुद का नहीं था, वो जो पब्लिक का टैक्स पैसा था उस पैसे को यूज किया, इसलिए औरंगजेब ने उनको पनिशमेंट देने के लिए हमको नजरबंद किया। वैसे सारी फैसिलिटी उसको मिली हुई थी, केवल पावर नहीं थी, पावर सारी औरंगजेब ने अपने हाथ में ले रखी। ठीक है, ये रीजन सही रीजन, बाकी तो अलग अलग। तो गाइस आप यहाँ की खूबसूरती देख सकते हैं। तो गाइस जैसे कि अभी आपने सुना कि औरंगजेब ने शाहजहां को क्यों कैद किया था, तो आई होप कि आपकी समझ में आई होगी ये चीज़। तो जहाँ मैं खड़ी हूँ ये जो पूरा फ्लोर है नीचे का, ये उस टाइम का एक गेम है,
तो काफ़ी रॉयल थे वो लोग, तो उनका गेम भी काफ़ी रॉयल था। वो यहाँ पे चेस खेलते थे इंसानों से, मतलब उनकी जो गोटियाँ होती थी जिससे हम खेलते हैं, तो वो इंसानों से खेलते थे, जो दासियाँ होती थी उन सबसे। तो गाइज अब हम जा रहे हैं दीवाने खास में, जो कि ऊपर हम चल रहे हैं दीवाने खास, और ये वहाँ का रास्ता है। जैद दावर क्या कर रहे हो? अपने यूज के लिए बनाया मस्जिद गेट के अंदर व्हाइट में जाकर के बनी है व्हाइट मस्जिद। औरंगजेब ने शासन को वहां नजर बंद किया, लेकिन उसको यहां तक आने के लिए परमिशन दी नमाज पढ़ने को। ठीक है, इस मस्जिद में शाहजहां पांचों वक्त की नमाज पढ़ने के लिए आए। शाहजहां अपने जमाने का एक ऐसा बादशाह रहा जिसकी सारी जिंदगी तहजीब की नमाज कदा नहीं हुई है, इसकी कदम होती है असर की नमाज की सुनत और तहजीब की नमाज कभी कदा नहीं। खास यूज टाइम का वीआईपी मीटिंग पार्लियामेंट हाउस अकबर के जमाने का, लेकिन अकबर के टाइम में ये बिल्डिंग रेड सैंडस्टोन से बनाई गई। शाहजहां ने इसको अपने टाइम में व्हाइट मार्बल कलरफुल से बनाया। गर्मी बारिश के मौसम में मीटिंग हॉल के अंदर की जाती, मौसम ठंडा होता है, धूप के अंदर बाहर होती मीटिंग। ये व्हाइट सीट बनी उस टाइम के वजीर आजम सीट है, प्राइम मिनिस्टर छोटे मिनिस्टर नीचे बैठा करते, और सामने वाली ब्लैक सीट है किंग जहांगीर की है। इस ब्लैक सीट के मार्बल को बोलते हैं कसौटी। आज के टाइम पर ये ब्लैक वाला मार्बल जौहरी होता है सुनार, उसके पास होता है गोल्ड को टेस्ट करने के लिए, लेकिन मुगल ने इसको यूज़ किया इस पर बैठकर जजमेंट करने के लिए। बोलते हैं ना कसौटी पे खड़ा उतरना, इस पर बैठकर सही गलत का फैसला किया करते। इस पत्थर को आपको आप लोग करीब से भी देखेंगे, आ जाइए। मतलब ये वन पीस स्टोन है, लेकिन बीच में से ना अभी क्रैक हो गया है। क्रैक किया इसको ब्रिटिश ने 1803 में, यमुना रिवर साइड से अंग्रेजों ने इसके ऊपर कैनन बॉल फेंका, बॉल पत्थर को जाकर बाउंस हुआ, पत्थर क्रैक। फिर उसके ऊपर सेकंड बॉल फेंका, बॉल यहाँ बाउंस हुआ, और बाउंस होकर ऊपर वॉल में एक लगा, वॉल में हॉल जो तो पूरा बैठा हुआ पैरेट। इस पत्थर को देखेंगे फारसी लैंग्वेज में पूरा जहांगीर का नाम लिखा हुआ है। समझते हैं आप लोग फारसी लैंग्वेज? यहाँ से आप देखेंगे ताजमहल, अगर फोटो वगैरह क्लिक करने तो कर सकते हैं आप लोग यहाँ से, यहाँ से अच्छा आएगा। शाही हमाम सेंटर बना है मीना बाजार, यहाँ लेडीज मार्केट होती थी, साइड में प्रेस बने, यहाँ शॉप लगा रहती, हफ्ते में एक दिन मार्केट होती, मंडे मार्केट। बाजार केवल उस टाइम लेडीज के लिए था, सामान सेल करने वाली भी लेडीज, परचेज करने वाली भी लेडीज। बाजार में किसी भी जेंट्स को यहाँ एंट्री नहीं मिली। आर्टिफिशियल इस महल में ये फ्लोर बनाए गए, 64 फ्लोर से ये बिल्डिंग बनी है। आगरा फोर्ट को डिजाइन किया आर्किटेक्चर मोहम्मद कासिम खान ने, मोहम्मद कासिम खान ईरान से। जैसे कि आपने सुना होगा कि ये है पूरा दीवाने आम, जहाँ पे उस टाइम की कोर्ट अदालत लगाई जाती थी, और यहाँ पर बैठते थी पब्लिक, जो भी लोग होते थे अपनी अर्जी लेकर आते थे तो वो यहाँ बैठते थे और यहाँ से उनका फैसला होता था। और ये जो आप साथ में इनके विंडो देख रहे हैं, ये और वो वाली विंडो, यहाँ उनकी रानियाँ बैठा करती थी। तो इस तरीके की हिस्ट्री है, और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आकर यहाँ की हिस्ट्री जानकर। पहले भी सब पढ़ा हुआ था, लेकिन बस ये ना कि बहुत ज़्यादा बातें होती हैं तो इतना ध्यान नहीं रहता, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आकर। तो गाइज़ वो जो आप सारा एरिया देख रहे हैं, वो सारा हमारी आर्मी के पास है वो एरिया, हमारा जो ये आगरा का जो लाल किला है,
ये 75% आर्मी के पास है और 25% पब्लिक के लिए हैं, जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। तो बहुत काफ़ी बड़ा हो जाएगा फिर तो ये, जब अभी इतना बड़ा लग रहा है मुझे तो। आई होप कि आपने आज का व्लॉग मेरा इन्जॉय किया होगा गाइज। देखते हैं बाकी, यहाँ से एग्ज़िट करेंगे अब इंशाल्लाह। तो गाइज मैं बैठी हूँ बेबी फीडिंग रूम में और ये रहे ज़ैन, फीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये अच्छी चीज़ है कि अगर आप बेबी को फीड कराना चाहते हैं तो वो प्राइवेसी वाला रूम है, वहाँ पे आप बेबी को लेकर बैठ सकते हैं। और मैं थोड़ा सा ओपन में बैठी हूँ क्योंकि ज़ैन आराम से लेटकर फीड कर सकते हैं, और यहाँ पे जेंट्स अलाउ नहीं है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे यहाँ पर, तो मैंने सोचा कि मैं ये चीज़ भी व्लॉग में ले लूँ। बाहर निकल गए और जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पे घोड़ा गाड़ी है, तो बच्चों को मैं घोड़ा गाड़ी की सवारी करवाने के लिए जा रही हूँ, तो एक ये भी एक एडवेंचर हो जाएगा। भैया अच्छा लग रहा है ना? बहुत। जैद दावर मजा आ रहा है? नहीं, घोड़ा गाड़ी में बिठा दिया। तो गाइस फाइनली हमने लाल किला घूम लिया है और अब बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, तो इसलिए हम लोग गाड़ी में आ गए, एसी वेसी चलाया और थोड़ी देर ऐसे ही बैठे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना ज़ैन को भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे ज़ैन। तो बस जल्दी से बच्चों को आइसक्रीम वगैरह खिलाई और हम आगे के लिए निकल गए। आई होप कि आपने मेरा व्लॉग इन्जॉय किया होगा। तो गाइज़ आप अपना सपोर्ट ऐसे ही करें मुझे और हम सब की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।